विद to with हमारे साथ है. एक बहुत सुंदर आपने बात कही थी वो दिया और मैं बचपन से सुनता रहा था कि दिया बुझ गया अब शगुन दिया बुझ गया अब शगुन जल्दी जल्दी उसमें ये करो पता नहीं क्या बोरा होगा आज जो आप दिए की बात की जो रोशनी है जो ज्ञान है जो अपनी आ, अपना सोल है, है? उसके अंदर की शक्ति और उसका पावर जब बुझता है भले कुछ के लिए तो कितना आप शुगुन होता है yes. right. अब जैसे हमने पिछली बार देखा कि आत्मा के कितने सारे तरह के संस्कार हैं जब हमें ये समझ में आता है तो हमें लोगों को अंडरस्टैंड करना लोगों के बिहेवियर को समझना और लोगों के साथ चलना बहुत ईजी हो जाता है लुक एट एवरी सोल विद दिस फोर फोल्डर्स पास्ट वर्थ संस्कार फैमिली से मिला संस्कार एनवायरमेंट से मिला संस्कार और विल पावर से क्रिएट संस्कार फोर फोल्डर्स हर आत्मा के ऊपर है अब ये आत्मा चाहे हमारा बच्चा है पड़ोसी है काम करने वाला कोलीग है ये कोई भी हो सकता है That soul is a bundle of all these तो कोई अगर जो कुछ आ, किसी का हमको बुरा लगे तो क्या बोले कि भाई इसके पुराने संस्कार है भगवान करे जल्दी ठीक हो जाए ऐसी दुआ दें अपने आप को क्या समझाएं ताकि हम रिएक्ट ना करें और उसका बुरा ना लगे क्योंकि कई लोगों के संस्कार है आ, टॉलरेट करना उनको थोड़ा मुश्किल होता है कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ हमें वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स पे अपने कॉम्प्रोमाइज़ कर जाना पड़ता है अगर हम उनके साथ चल रहे हैं वो हमें नहीं करना है संस्कारों के साथ एडजस्ट करना इसका मीनिंग क्या इसका मीनिंग उनका संस्कार मेरे मन की स्थिति पर प्रभाव नहीं डालेगा सपोज़ यहाँ ये सूरज है इसकी लाइट है धूप भी है आवाज भी है हवा भी है ये चीजें हैं आई मे नॉट बी वेरी कम्फर्टेबल विद नॉट द बेस्ट वॉन्टेड सब बंद कर दू ये सब अब ये सबको बंद अगर कर मेरे अगर, मेरे, अगर मेरे, 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 पावर हो, मेरे पास पावर हो yes। लेकिन मुझे इनमें जीना है इसी में शूटिंग करनी है, इसी माहौल में रहना है परफेक्ट बाय बिकॉज ये मेरे कंट्रोल में नहीं है ना लेकिन मुझे जीना इसी के अंदर है अब लेकिन जीने का तरीका एक है इसके बारे में कंप्लेंट करते रहे एक है इसको देख देख कर उदास परेशान इरिटेट, एंग्री होते रहे एक है हम कहते रहे इसको तो मैं सहन ही नहीं कर सकती इतनी धूप तो मेरे से सहन ही नहीं होने वाली लेकिन काम उधर ही करना है काम उधर ही करना है लेकिन थॉट कौन सी क्रिएट हुई मैं नहीं सहन कर सकती आई एम अनहैप्पी बट आई टू बी देयर बट आई हैव टू बी there. टॉलरेट करना मतलब क्या टॉलरेट करना मतलब ये चीज़ें हैं hmm. मतलब ये आसपास के लोगों के संस्कार हैं दे आर नॉट द बेस्ट दैट आई वॉन्टेड बट दे डू नॉट इन्फ्लुएंस माई स्टेट ऑफ माइंड एनी मोर बिकॉज आई एक्सेप्ट दैट दे आर देर एंड दे आर नॉट गोइंग टू गो एज ऑफ नाउ मतलब मुझ आत्मा ने उसको टॉलरेट कर लिया टॉलरेट कर लिया मतलब उस संस्कार के सामने अब यहां पर कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ रहा क्यों क्योंकि वो जो आत्मा है सामने वाले वो जैसा आपके साथ व्यवहार कर रहे हैं वन थिंग वी नीड टू रिमेंबर वाई वी गेट हर्ट उसने मेरे साथ ऐसा किया उसने मेरे साथ ऐसा कहा उसने मुझे ऐसा किया उसने अपने लूप से कार्य किया साथ साथ दूसरा प्रॉब्लम भी है ना मुझे जब आता है मेरे साथ पहले मैं अपने आप को कुछ समझ बैठा हूँ वो भी तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना कि मैं इतना बड़ा उम्र में बड़ा पैसों में बड़ा घर का बड़ा और ये छोटा तो ईगो ना तो पहले शिफ्ट किस पे करना पड़ेगा वाई हुई इज इम्पोर्टेंट अब सपोज आप घर के बड़े और घर में कोई यंगर जो एज में भी छोटा रिश्ते की मर्यादा से भी हम कहेंगे छोटे कमाने में भी छोटा हो सकता है less. कमाने में भी कम ओके okay. ये भी एक फैक्टर बन जाता है तो अहंकार के बहुत सारे फैक्टर्स है ना ईगो अटैचमेंट टू ऑल दीज इमेजेस ऑफ माई सेल्फ ठीक है अब वो कुछ कहते हैं हमें बुरा लगता है वो कुछ करते हैं हमें बुरा लगता है अब हमें उस बात को रिजोल्व करना है तो पहली बात तो हमें ईगो से उठकर सोल कॉन्शियस पर जाना है विच मीन्स पहले जिस सिट बैक सी दैट पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू एंड फर्स्ट ओनली क्रिएट वन थॉट मैं आत्मा ये आत्मा ये तो बार बार ही बोलना पड़ेगा अपने आपको मैं आत्मा ये आत्मा जैसे ही मैं आत्मा ये आत्मा अभी हर्ट नहीं गया है हर्ट है दर्द है मैं आत्मा ये आत्मा पहले क्या खत्म होने लगेगा पहले बॉडी कॉन्शियस मतलब क्या क्या जाएगा सबसे पहली चीज तो ईगो है उस हाँ, तो कौन सी, कौन सी सी बातें पहले यहां से उस से जाएंगी वजह कि छोटा है बड़ा है अमीर है बड़ा अमीर गरीब है रिश्तेदार है नहीं है बाहर वाला है घर वाला है ये सब बातें बाहर है। ये सब बातें बाहर बिकॉज वी आर वर्किंग टू सोलूशन वी आर वर्किंग टू क्रिएट द राइट एनर्जी तो पहली ट्रुथ जो सत्य है उसको जगाएं मैं आत्मा ये आत्मा ये 24 घंटे याद रह सकती है बात अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं 24 घंटे इमीडिएटली याद नहीं रहेगी लेकिन हम किसी बात से हर्ट है तो किसी दुनिया में किसी लोगों को याद रहती है आप धीरे-धीरे अपनी जर्नी को देखेंगे कि धीरे-धीरे ये जितनी देर याद रहती है ये बढ़ती जाएगी कभी-कभी लगता है कि हमने बहुत बड़ा एक गोल चुन लिया है कि इतना ऊंचा समटाइम्स लगता है कि इट्स एन इम्पॉसिबल टास्क मैंने चुन लिया कि टू रीच दैट गोल कि हर एक को मैं आत्मा समझूं और कब होगा किस दिन होगा ऐसी सारी थॉट्स आती हैं कई बार जीवन में चलते चलते अपना ध्यान न रखने के कारण हमारे शरीर का वेट बढ़ जाता है राइट right? बिकॉज हम अन जी रहे थे कुछ भी खा रहे हैं कुछ भी, भी खा, खा रहे थे, थे। एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे जो जो हमें करना चाहिए था अपने हेल्थ के लिए हम नहीं कर रहे थे तो कुछ समय ध्यान न रखने के कारण अन अवेयर जीवन जीने के कारण शरीर का वजन बढ़ जाता है hmm. अब शरीर के वजन बढ़ने का इम्प्लीकेशन ये होता है कि शरीर में बीमारियां आने लगती हैं तो वजन के लेवल पर हमने नहीं भी चेक किया बीमारी पर तो चेक करना पड़ता है सही अब डॉक्टर ने कहा यू हैव टू लूज वेट सपोज डॉक्टर ने कहा आपका वेट अभी नाइनटी है आपको आपका वेट सेवेंटी तक लेके आना है जिस दिन ये बात हम पहली बार सुनेंगे कि 90 से लेकर आना है इट्स गोइंग टू कम इट्स टू बिग अ टास्क जो आपने कहा गोल मैंने बहुत बड़ा चुन लिया है तो आपने गोल चुन लिया कि मुझे पंद्रह बीस किलो वजन घटाना है इजी नहीं है बड़ा गोल है लेकिन अगर ये गोल को नहीं उठाते ये गोल नहीं लेते अपने जीवन में तो जीवन तो बहुत ही मुश्किल है राइट सपोज वी वी आर एंड डोंट टेक अप दिस गोल टू लूज वेट तो तो आगे तो वजन वजन बढ़ता ही जाएगा बढ़ेगा बीमारियां बढ़ेगी ब्लड प्रेशर तो बढ़ेगा दवाइयां बढ़ेंगी हाँ तो डॉक्टर दो के पास आना जाना ज्यादा बढ़ेगा जीवन जीना भारी लगेगा एवरी थिंग विल भी भारी ओनली तो ये दो रास्ते हैं आज हम इस यहाँ खड़े हैं दो रास्ते हैं एक अगर हम ये गोल नहीं लेते कि मुझे 20 किलो वजन घटाना है तो लाइफ की क्वालिटी क्या होने वाली है तो वो ये होने वाली है दूसरा हमने गोल उठाया कि मुझे उतना वेट घटाना है जैसे ही वो गोल सामने आता है इट लुक्स वेरी डिफिकल्ट कि बीस किलो उसके लिए ये भी करना पड़ेगा ये भी करना पड़ेगा ये सुबह जल्दी उठना पड़ेगा वॉक भी करना पड़ेगा मीठा छोड़ना पड़ेगा मीठा भी छोड़ना पड़ेगा हाँ ये भी छोड़ना पड़ेगा ये भी नॉट ईजी एट ऑल लेकिन जब गोल सामने रखा तो साथ में क्या रखा कि ये करने से मेरी जीवन की क्वालिटी कैसी होगी इनिशियली थोड़ा सा मन कहेगा वेरी डिफ़िकल्ट साथ में मन को क्या कहना है आई हैव टू डू इट फॉर माई लाइफ क्वालिटी विल चेंज बीमारियाँ ठीक फीलिंग लाइट फीलिंग हेल्दी फीलिंग गुड तो हम गोल की तरफ चलेंगे शुरू में लगेगा 20 के जी लूज करना तो बहुत मुश्किल बात है लेकिन जैसे ही वो सारे तरीके जो हमें किसी ने बताए कि ये 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 नहीं करना ये 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 करना अगर हमने उसको एक्यूरेटली फॉलो किया डिसिप्लिन से किया तो वेट कम होगा या नहीं होगा तो एक प्रॉब्लम और भी आती है इस रास्ते में कि बड़ी बिगिनिंग में बहुत शौक से दो चार कम कर लिया yes. लेकिन फिर जल्दी से हार मान ली yeah. फिर चार का आठ बढा लिया, फिर वापस। एज as, as हमने रास्ता सही चूज किया है कि मुझे वजन घटाना है करेंगे फिर कुछ गलती हो जाएगी फिर थोड़ा सा बढ़ जाएगा फिर हम घटाएंगे माइंड लेकिन अगर इस रास्ते चले गए कि मुझे कुछ करना ही नहीं है उसके लिए जैसा है ठीक है अभी क्या फर्क पड़ता है बढ़ गया वेट आजकल तो बहुत लोग ओबीज हैं कुछ भी लॉजिक देखें तो वो रास्ता तो एक अलग ही रास्ता है तो ये रास्ते पे चले थोड़ा हर्डल लगेगा लेकिन जब हमारा वेट कम होना शुरू होगा तो वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन भी होगा कि हाँ ये मैंने किया इसका मुझे रिज़ल्ट मिला ये मुझे रिज़ल्ट मिलता है ये करते करते धीरे धीरे वो जो एक्सेस वेट एक्सेस बैगेज हम हटाना चाहते हैं वो हटना शुरू होगा क्या एक दिन ऐसा आएगा नहीं जहाँ जो गोल पर हम पहुंचना चाहते थे वो पहुंच जाएंगे ज़रूर। आएगा, इसमें भी आएगा इसमें भी आएगा गोल से डरदा नहीं गोल देखकर खुश होना हैव चोजन द राइट गोल फॉर माई लाइफ नहीं तो जीवन कौन से रास्ते जा रही थी जब एक्टर बनने का गोल मैंने सिलेक्ट किया यस yes? तो वो कोई इजी था सबसे मोस्ट डिफिकल्ट एनी बिजनेस जब आपने वो गोल लिया क्या आपको मालूम था ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा नहीं हमने सिर्फ गोल उठाया हमें ये भी नहीं पता था चैलेंजेस कितने आएंगे ऑब्स्टिकल्स क्या क्या आएंगे हमें सिर्फ ये पता था मोटिवेशन तो ना तो गोल उठाया और डिटर्मिनेशन दृढ़ता के आने दो जो जो बातें आती हैं चाहे कुछ भी हो जाए करूंगा तो चाहे कुछ भी हो जाए करूंगा ये एक लाइन ने सक्सेस दिला दी अब ये एक लाइन को यहाँ भी यूज कर लेते हैं सही बात है चाहे कुछ भी not, हो जाए नॉट बीइंग अ सेंट सन नॉट बीइंग अ मतलब फ्रॉम <laughs> फैमिली फिर भी मैं इस लेवल पे जा, पहुंच जाऊंगा राइट right. हालांकि तो ये मैं करूंगा बिजनेस फैमिली से आने के बाद दूसरे फैमिली में इजीियर हो जाता है हाँ. <laughs> जिनके यहाँ यही इट्स नॉट नेसेसरी इट्स एब्सोल्युटली नॉट जो बचपन से गुरुकुल में पढ़े जो बचपन से ये करे उसको शास्त्र पढ़ना ये सब ज्ञान जल्दी आ जाता है ना शास्त्र पढ़ना और सोल कॉन्शियस स्थिति को अचीव करना इट्स टू डिफरेंट थिंग्स आई एग्री है ये बात तो है क्योंकि तो मैंने देखा है बाकी अपनी जर्नी होगी बहुत सारे करेंगे कुछ नहीं भी कर पाएंगे इट डजेंट डिपेंड ऑन हम कहाँ थे हाँ संग का रंग हमें मिलेगा वो हमारा बेनिफिट है कि हम उस एनवायरनमेंट में थे हमें संग का रंग मिला लेकिन आत्मा की अपनी इच्छा शक्ति डिटर्मिनेशन विल पावर से बहुत कुछ होने वाला है तो अपने आप को कहीं भी थोड़ा भी ढीला नहीं छोड़ना बाई से मेरे पास तो वो वाला फैक्टर नहीं है हाँ जैसे मैंने एक्टर बनने के लिए मैंने तो नहीं बोला था आई डोंट नो एनी इन द फिल्म इंडस्ट्री फिर भी हमने कर लिया अनजान नगरी yes. तो यहां भी हम कर लेंगे तो सोल कॉन्शियसनेस का जो गोल है वो हम ये नहीं कहेंगे कि आज हम जीरो सोल कॉन्शियस है कल हम हंड्रेड हो जाएंगे नो नो स्टेप बाय स्टेप इट्स वेरी स्लो एंड स्टेप बाय स्टेप आत्मा की बैटरी को चार्ज करना है फोन की बैटरी फर्स्ट से एंड पर थोड़ी पहुंचती है कभी इट हैज टू गो स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बीच में अगर पावर चली गई सप्लाई से वहीं रुक जाएगी अगर बीच में यूज़ कर लिया उसको गलत तरीके से वो कम हो जाएगी फिर वो ऑन हो जाएगा फिर वो स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप चार्ज होगा तो अब जैसे आपने कहा किसी ने कुछ कहा मुझे हर्ट हुआ फर्स्ट कॉन्शियसनेस मैं आत्मा ये आत्मा फिर मन कहेगा लेकिन मैं बड़ा ये नहीं कौन बड़ा शरीर बड़ा आत्मा और आत्मा फिर मन कहेगा मैंने इतना कमाया कोई बात नहीं इस समय रिश्ता किसकी बात हो रही है आत्मा और आत्मा ईगो को क्या करना पड़ता है ईगो बहुत बोलेगा बीच में लेकिन वही तो सोल कॉन्शियस तीर्थ की तरफ जाने का पुरुषार्थ है ईगो को चुप कराना और सही आंसर देना अब एक बार आपने कहा मैं आत्मा ये आत्मा फिर दूसरी पॉइंट ऑफ नॉलेज ये आत्मा अनेक जन्मों के संस्कार लेकर आई और इस जन्म के पेरेंटल इन्फ्लुएंस के संस्कार ये सेकंड फोल्डर सेकंड फोल्डर इस जन्म के संग के रंग के संस्कार लेकर आई है अब ये आत्मा लुक सोल ये आत्मा ये आत्मा जो मेरे साथ बिहेव कर रही है वो मैं कौन हूं कैसा हूं उस वजह से नहीं है वो इस वजह से है कि वो क्या है और कैसे हैं people do not play those songs on the cd because of our songs they play those songs on that cd because they are their songs unke paas wohi gana hai ye itna important hai detachment kyunki ye hamare dard ko kya karta hai हमारा दर्द इस वजह से नहीं होता कि वो ऐसे क्यों हैं हमारा दर्द इस वजह से होता है उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया

दिस इज सेल्फ रिस्पेक्ट दिस इज सेल्फ रिस्पेक्ट दूसरे ने कुछ कहा हमने जल्दी से चेक किया कि ये है मेरे अंदर या नहीं है अगर है वो बात जो वो कह रहे हैं ले लो उस फीडबैक को और अगर नहीं है तो अगले क्षण छोड़ दो इस समय में सब लोग अलग अलग संस्कार अलग अलग रंग के लेंस के थ्रू बोलने वाले हैं इट इज नॉट ने उन्होंने अपने, के से बात की ना, अपने संस्कारों के हिसाब से कोई भी बात करता है और कोई लड़ने भी आता है, है, जो बुरा भला बोलता है वो तो खुद ऐसा है इसलिए तो बोल रहा है ना बस बस सिंपल वो बोलेगा ही सिंपल मुझे नहीं तो किसी को सब कोई बोलेगा क्योंकि तो वो है ही ऐसा सिंपल अब मुझे क्या करना है वो उस रिकॉर्डिंग से गाना बजाएगा Hmm. मुझे ध्यान रखना है कि मुझे कौन सा गाना बजाना है लेकिन सिस्टर ऐसा ही एक आदमी बजाया दो तीन चार सौ जिंदगी भर आज से पता नहीं कितने साल जीना है ऐसे कितनी आत्माएं मिलेंगी जो अपना अपना रिकॉर्ड बजाएंगे मैं किस किस को ठीक करना जाऊं और किस से उलझू किस, किस को झगड़ा करूं किस किस को बोलूं कि मैं ऐसा नहीं हूं तुमने गलत बोला सही बोला जान छूटनी चाहिए ना तो क्या करना चाहिए कोई नहीं आ रहा है मुझे हम किस थे? आपने तो अभी सारा आंसर दिया मैं किस किस को चेंज करूँ फर्स्ट नहीं कर सकते मैं किस किस को बोलू? ये बात करने में होता है नहीं भी हुआ, थोड़ा बुरा भी लगा उसके बाद बैठकर हो जाएगा क्योंकि आंसर सब पता है ना हमें नाउ वी आर लुकिंग एट टू सोल्स बाई टू यू आर आसपास पास दस ठीक है दस सोल्स की अलग अलग रिकॉर्डिंग आत्मा का ज्ञान इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है पहले तो हम उनको आत्मा ही नहीं देखते थे हम कहते भाई होकर ऐसा बोल दिया ऐसा बोलेंगे भाई होकर मेरा भाई होकर बचपन से उसके लिए इतना किया मेरा भाई होकर ऐसा बोल दिया मेरा भाई रोल है आत्मा चार फोल्डर हैं उनके थ्रू ही गाना सुनाएंगे ईजियर टू तो एक्सेप्ट लेकिन उन्होंने जो गाना सुनाया उस गाने का अपने ऊपर प्रभाव नहीं पड़ने देना कि हमारे यहाँ एक गलत गाना बज जाए दिस इज प्रोटेक्शन ऑफ द फ्लेम आप कमजोर हो गए आपने अपना रिमोट पकड़ा दिया भाई, जो करना कर ले मेरे साथ रिमोट तो उनके पास है ही नहीं हम नहीं, the, हम गलत वी थिंक इट इज से कोई गलत गाना प्ले कर रहे हैं वो सामने वाला नहीं प्ले कर रहा सपोज आज आपका भाई है बहन है वी हैव सो मेनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम देम कि मेरा भाई है ये ऐसा करेगा या ऐसे करेगा वो वट एवर कारणवश पास्ट संस्कार प्रेजेंट एनवायरमेंट प्रेजेंट संघ का रंग वटेवर कुछ अलग बिहेव किया ठीक से बात नहीं की जोर से चिल्ला दिया कोई एलिगेशन लगा दी कुछ भी कर दिया इमिजिएटली अगर इमिजिएटली नहीं भी होता दो मिनट हर्ट भी होता है कि मेरा भाई होकर ऐसा कह दिया अब जल्दी से आंसर की तरफ जाना है मतलब लॉ क्या होने लगी है वो दिए कि हिलने, लगी, हिलने है। लगी है तो इमीजिएटली बचाना है ना तो बचाने के लिए क्या आंसर देना है आत्मा संस्कार वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर रहा वो अपनी सीडी पे का गाना प्ले कर रहा है इंपॉर्टेंट पॉज मैं भी आत्मा मेरे लिए कौन सा गाना इस समय सही है हम क्या सोचते हैं उनको कौन सा गाना सुनाऊ मैं उसने ऐसा बोला तो मैं ऐसा कैसे उसके साथ बात करूं उनको नहीं गाना सुनाना है जो हम गाना यहाँ प्ले करते हैं वो हम सुनते हैं सबसे पहले हम पर असर होगा ना आर एवरी थॉट तो मैं कौन सा गाना प्ले करूं दिस इज सो इम्पोर्टेंट सब सुनते हैं जानते हैं फिर भी अब करेंगे कितनी बार सुनाएगी रोज तो चाहे डेड बॉडी पे डालो या दुल्हन को सजाओ वो तो अपना ही खुशबू देती है ये है वो है सुनते हैं हम दूसरी चीज सुन रहे हैं कि हाँ गुलाब का फूल तो अपनी खुशबू देती है दैट्स ओके okay. उसको अपने जीवन के साथ कैसे रिलेट करना है उन्होंने एलिगेशन लगाया आप ऐसे हैं आप ऐसे है बोल दिया किसी ने ठीक है मेरा संस्कार क्या है जो मेरे लिए सही है एक जैसे आपने कहा मुझे मालूम है कि मैंने ऐसा नहीं किया है मुझे मालूम है कि ये जो कह रहा है ये सत्य नहीं है किसी कारणवश ऐसा कह रहा है मेरे लिए इस टाइम क्या जरूरी है साइलेंस नॉट टू गेट प्रोवोक्ड एंड देन आई प्ले माय रोल आई एम द एक्टर नो आई प्ले माई रोल टू माई बेस्ट कैपेसिटी सामने वाले एक्टर से प्रभावित नहीं हो रहे टू माई बेस्ट कैपेसिटी मतलब ह्यूमिलिटी ह्यूमिलिटी लव दिस इज माई रोल दिस इज हाउ आई विल परफॉर्म माई रोल इतना पॉज अब ये हो जाएगा अगर हम रोज सुबह मेडिटेशन करके बैटरी को चार्ज करेंगे एंड रोज सुबह ज्ञान भी भरेंगे जब रोज रोज ये ज्ञान डलता है ना मैं आत्मा ये ज्ञान वो ग्रथ है मैं आत्मा मेरे संस्कार वो आत्मा उसके संस्कार मैं आत्मा मैं आत्मा ये रोज रोज करने से यहाँ ग्रूव बन जाएगा ये बनना ही है ग्रोव। फिर एक बार करेंगे रिजल्ट मिलेगी दो बार करेंगे रिजल्ट मिलेगी करना इजियर हो जाएगा क्योंकि वो वाला तरीका करने का ग्रुव बन जाएगा

बॉम्बे आके भी लोग कितने डिस्करेज करते थे आप एक्टर बनने रहे हो शक्ल तो देखो आप अपनी तो हमने क्या किया होल्ड ऑन टू आर गोल अगर मैं उनकी बात मान लेता मुझे मुझे लोगों ने सीरियसली बोला था बोला के भाई साहब आप उसके लायक नहीं आप वापस जाइए अपने माँ बाप के यहाँ अपने डेस्टिनी तो बदल जाती ना डेस्टिनी बदल जाती है इसलिए तुम तो फिल्म वाला आदमी बिजनेसमैन का आदमी तुम तो ये नहीं है वो नहीं है तुम कहाँ गोल लेके बैठे हो कि मुझे सबको आत्मा देखने वाले दिन सपने में मत देखो तो फिर मैं तो थो, थोड़ी छोड़ूंगा नहीं अपना पाथ नहीं छोड़ना है चाहे आसपास कोई कुछ भी कहे तो अब ये सिंपल है एक्सरसाइज कि कुछ हुआ बात कोई हर्ट क्रिएट भी हो गया कई बार हमने गलत व्यवहार भी कर दिया तो, pause and immediately change. Pause and change, what? तो तो भी भी अगर गलत व्यवहार कर दिया रिफ्लेक्शन में तो चेंज करके रिकॉर्ड कर देना अच्छा। नहीं तो अगली बार, फर, I, बार फिर I... गलत होगा नहीं तो एंड अगर इमोशनल कोई हर्ट हुआ है उसको चेंज आत्मा अपने सब फैमिली फ्रेंड्स को आत्मा ये एक वर्ड बहुत पावरफुल वर्ड है अभी अगर कॉन्शियसनेस भी नहीं हो रही है सिर्फ वर्ड भी यूज कर लो तो भी वर्क करता है अभी हमारी सोल कॉन्शियसनेस स्थिति नहीं है ना लेकिन सोल है ये नॉलेज तो है ना जैसे ही कहा मेरा ये पूरी एक्सपेक्टेशन की लिस्ट आती है सामने जैसे ही कहा आत्मा इजियर हो जाता है बिकम्स वेरी ईजी टू स्टार्ट एक्सेप्टिंग इसलिए ये वर्ड को सारा दिन मंत्र की तरह ये आत्मा ये आत्मा ये आत्मा ये इसके पास्ट संस्कार ये इसके इस समय जिनके साथ ये रह रहा है उनकी बातों में आकर प्रभावित होकर कुछ संस्कार वेरी इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हम इस समय में चल रहे हैं कलयुग में जहाँ मेजोरिटी आत्मा बैटरी थोड़ी सी डिप्लीटेड है तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखेंगे तो हमें ही दर्द होगा इमेजिएटली तो फोकस इस पर होता है कि मुझे कौन सा गाना प्ले करना है ये फोकस नहीं होना चाहिए मुझे उनको क्या सुनाना है वेरी हम सारा दिन ये देखते हैं मुझे उनको क्या बताना है अगर किसी ने मेरे साथ गलत किया तो मैं उनको कैसे समझाऊं कि उन्होंने गलत किया मैं उनको क्या जवाब दूं ताकि वो अगली बार गलत ना करें उसने तो जो गाना प्ले करना है वो गाना प्ले करना है मुझे कौन सा गाना प्ले करना है वेरी इंपॉर्टेंट कई बार जैसे होगा ना सामने वाले पड़ोसी ने जोर से गाना बजाया तो हम कहेंगे मैं इससे जोर से बजाऊं अब मैं इससे जोर से बजाऊंगा तो वो उससे जोर से बजाएगा उलझ गए एनर्जीज में उनके साथ अपना गाना सुने अपने घर में बैठकर क्योंकि हमारा गाना सबसे पहले हम ही सुनेंगे सिर्फ फिर हम जो वो गाना प्ले करेंगे अगर वो गाना उनको पसंद आ गया क्योंकि अगर वाइब्रेशन प्योर है तो प्रभाव डालेगी अगर उनको वो गाना पसंद आ गया देन देर आर चांसेस के वो भी अपना गाना बदल लें कोई और गाना प्ले कर लें क्योंकि उनके पास भी वो प्यारे वाले गाने रिकॉर्डेड तो है ही सो हम अगर अपने गाने को ध्यान रखेंगे देर आर चांसेस के सामने वाले अपने गाने बदल लें लेकिन अगर हम उनके गाने के प्रभाव में उनके संस्कार के प्रभाव में आ गए तो वो तो उस संस्कार में थे ही थे हम भी एक अलग जर्नी पर चले जाते हैं Thank कितना अटेंशन रखना है थैंक यू सो मच ओम शांति ओम शांति ओम शांति Each soul carries one set of sanskars from past births, one from family, and one created Due to environment, the fourth type is the sanskars that we create with our own willpower. We have the power to override any sanskar of the first three types. Accepting other people's sanskars means their sanskar does not influence our state of mind. Acceptance, tolerance, adjustment does not mean we are living with them but are disturbed inside. Acceptance means our mind is stable while we live with their sanskar. First step to acceptance is to remember I am a soul interacting with that soul. Ego of relationship, position, age, and achievement has to be kept aside. Second step to be aware that this soul is carrying so many sanskars. Their behavior is not because of who we are, but because of what sanskars they are carrying. When we interact with people through the filter of our relationships, we have a list of expectations from our parents, siblings, spouse, children, and friends. When we remember that the relationship is a role played by the soul carrying so many sanskars, acceptance becomes easier. If you wish to discuss your problem, or have a question to ask, or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening at pmtv.in, or call us on 099 99 660.